हाई प्रोटीन डाइट वेट लॉस प्लान। आज का हम ऐसा डाइट प्लान डिस्कस करेंगे जिसके अंदर कार्ब जो है वो आपके मॉडरेट होंगे, प्रोटीन पोर्शन जो है वो हाई होगा और जितने भी फैट पोर्शन है वो आपका मॉडरेट होगा। यानी कि फैट कम लेके कार्ब्स को कम करके आप सिर्फ प्रोटीन को बढ़ा के भी अपना वज़न कम कर सकते हैं। आए आज का डाइट प्लान डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम इस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं अपना वज़न जो है वो कम कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। तो इसके लिए जो आपने अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक लेना है उसके अंदर एक ग्लास पानी, एक चुटकी ज़ीरा और साथ में 3-4 पत्ते जो है वो मिंट यानी कि पुदीने के आपने ऐड कर लेने। इन तमाम को अच्छे तरीके से आपने हल करना है और उसके बाद 15-20 मिनट जो है वो छोड़ देना है। और 15-20 मिनट जब गुजर जाएंगे उस पानी को पड़े हुए तो उसके बाद आपने उसको पी लेना है। ये आपका अर्ली मॉर्निंग न्यूट्रास्यूटिकल ड्रिंक है जो कि आपको फैट कटिंग में हेल्प करेगा क्योंकि इसके अंदर फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। वो लोग जो लेमन को पसंद करते हैं इनके खा सकते हैं, उनकी बॉडी टॉलरेट करती है, वो आधा जो है वो लेमन इसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी लेमन को टॉलरेट नहीं करती, वो अगर चाहें तो उसको ना डालें उसके अंदर। दूसरी टाइम में ब्रेकफास्ट के अंदर आपने 2 एग लेने, एग आपने फुल एग ले लेना है, एग वाइट नहीं फुल एग, उसका ऑमलेट बना लेना है और बहुत ही हैवी उसको जो आपने प्रिपेयर करना है विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल। साथ में आपने 1 बाउल ओटमील दलिया, जौ का दलिया जिसे कहते हैं, वो आपने ऐड कर लेना है और इसके साथ बनाना 3-4 बनाना या 1-2 बनाना, इट्स अप टू यू कि अगर आप दलिया स्किप करें तो उसकी जगह 1-2 बनाना आप खा सकते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लाइक हैंडफुल, इतने से आपने ड्राई फ्रूट्स लेने जिसके अंदर आपका अखरोट हो सकता है और बादाम हो सकते हैं। ये आपका नाश्ते का ऑप्शन बन गया कि एक ऑप्शन आपका ये है नाश्ते का। दूसरा ऑप्शन, अगर आप इन सारी चीज़ों को नहीं लेना चाहते, पीनट बटर उसको आपने ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करके अच्छे तरीके से उसके अंदर स्टफिंग करनी है। आपने जो भी आपके पास फ्रूट्स अवेलेबल हैं लाइक एप्पल अवेलेबल है आपके पास या फिर आपके पास बनाना अवेलेबल है, कोई भी आप लेके उसको स्टफ करें अच्छे तरीके से और वो आपका एक हेल्दी टोस्ट है जो आपने इस्तेमाल करना है। उसके साथ आपने कोई एक मीडियम साइज़ फ्रूट, मीडियम साइज फ्रूट से मुराद ये है कि इसमें एप्पल ले सकते हैं आप या फिर पीच का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेट लॉस में आपको हेल्प करेगा। लंच की बात करते हैं, लंच से पहले जो आपका स्नैक वन का टाइम है उसके अंदर आपने सैलड लेना है कि उसके अंदर जो भी वेजेस आपके पास अवेलेबल होंगी, जितनी वेजेस अवेलेबल होंगी उनको आपने उसके अंदर ऐड करके लंच होगा उसको आपने इस्तेमाल करना है। अब आते हैं लंच की तरफ, लंच में आपने कौन सी चीज़ ऐड करनी है, सूप, चिकन सूप या फिर वेजिटेबल सूप, 1 कप वेजिटेबल सूप। और अगर आप वेजिटेबल सूप नहीं लेना चाहते तो उसकी फ्रूट्स की स्मूदी, जितने भी आपके पास फ्रूट्स अवेलेबल हों उसको स्मूदी के फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी जगह एग्स का इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर मीट का 100 ग्राम गोश्त या फिर 2 अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इनमें से कोई भी चीज़ अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा यानी कि आपका इवनिंग का टाइम, स्नैक टू का टाइम, जैसे 4-5 बजे मोस्टली लोग चाय पीते हैं तो उसमें आप जो है लेमन ग्रास टी या फिर ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 ग्लास ग्रीन टी, लेमन ग्रास टी और उसके साथ आप सैंडविच खा सकते हैं। सैंडविच जिसके अंदर आपने सिर्फ वेजिटेबल इस्तेमाल करनी है और भी कोई चीज़ इस्तेमाल आपने नहीं करनी, इसके साथ इनके मायो वगैरह इसके अंदर भी इस्तेमाल नहीं करनी, चीज़ आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी इसके साथ। डिनर की बात करते हैं, डिनर में आपने जो है वो पास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पास्ता आप शौकीन नहीं है, पास्ता के नहीं खाना चाहते तो एक जो है वो गोश्त का कबाब, कबाब के अंदर आपने जो दाल है वो ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, गोश्त और दाल दोनों, यानी कि आप हाफ ऑफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर दाल का पोर्शन ज़्यादा कर सकते हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दाल के अंदर भी प्रोटीन मौजूद होता है जो कि आपका प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, कि मीट बेस्ड प्रोटीन नहीं होता आपका, ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है और आपको वेट लॉस करने में हेल्प करता है क्योंकि ये आपको स्टाइटी फील कराता है कि थोड़ा कम खाने से भी आपका पेट जो है वो फिल रहता है। तो ये डाइट प्लान आपके लिए कि अगर इसको आप 5-7 दिन के अंदर वज़न कम करना चाहते हैं तो उसमें आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डाइट प्लान का बेनिफिट ये होगा कि इसमें आपको प्रोटीन का पोर्शन जो है वो ज़्यादा लेना है, ये खास तौर पे उन लोगों के लिए होता है जो कि जिम करते हैं,
एक्सरसाइज करते हैं या मसल बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए प्रोटीन पोर्शन जो है वो अगर ज़्यादा कर भी दिया जाए तो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है वो। लेकिन अगर आप अपना वज़न जल्दी कम करना चाहते हैं तो उसके लिए 5 से 7 किलो वज़न आपका 7 से 10 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।